बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगेगा और हम किसी को टॉफी भी नहीं देंगे, नहीं तो दांत खराब हो जाएगा। और बिस्किट भी नहीं देंगे। बच्चों नमस्कार, बोलो जी। नमस्कार बोलोगे? बोलो, गुड मॉर्निंग। जोर से जोर से आवाज आई? पक्का आ रही है? जिनको आवाज नहीं आ रही हाथ ऊपर करो। नहीं सुन पाए? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप में से कितने बच्चे शेर हैं? शेर कितने हैं? शेर यहाँ शेर कितने हैं? एक दो दो शेर, समझते हैं? शेर जंगल में एक ही शेर होता है, कितने हैं? जंगल में कितने शेर होते हैं? और उसका परिवार होता है, अकेले तो कैसे रहेगा? बच्चे भी होंगे ना उसके, और उसके दादा दादी भी होंगे। तो यहाँ पे कितने शेर हैं हाथ ऊपर करो। अरे बाप रे, इतने सारे शेर हैं। अच्छा बताओ कितने लोग यहाँ भालू हैं? भालू कितने लोग हैं? भालू 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 जानते हो, जो मदारी के डबरू पे नाचता है और कभी कभी वो शहद खाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। कितने भालू है बताओ? अरे वाह, इतने सारे भालू। अच्छा ये बताओ कितने बंदर हैं यहाँ पे, जिनको टीचर बैठ पकड़ पकड़ के बैठाती है? बंदर कितने यहाँ पे? बंदर ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सब बंदर हैं। एक भालू तो ये बैठा है, उसके टी शर्ट पर लिखा है। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस। तुम्हारे टी शर्ट पे क्या बना? इधर टी शर्ट पे देखो, एक भालू है, भालू टी शर्ट पे देखो। ये समुद्री डाकू है। कौन है? हाँ उनके टी शर्ट पे लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा क्या लिखा है? चलो कोई नहीं, मैं अगली बार आऊंगा तो आप लोग पढ़ के रखना टी शर्ट पे क्या लिखा है और उसको कैसे बोला जाता है, करोगे? आपको मैंने बता दिया, वो जो बंदा है वो समुद्री डाकू का पिक्चर है। बैठ जाओ आयु प्रिंस, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, शेर तो मिल गए, भालू मिल गए, बंदर मिल गए, कोई इंसान है यहाँ पे? अरे वाह, ताली बजाओ सारे इंसानों के लिए, वेरी गुड। हम सब इंसान है, हम जानवर, अगर कोई हमें बोले शेर हो भालू हो बंदर हो तो खुश नहीं होना, वो तुमको जानवर बता रहा है। और जानवर की प्रवृत्ति क्या होती है? लोगों का नुकसान पहुंचाना, वो सिर्फ तीन ही काम के लिए जीता है, खाना, जिंदा रहना और मर जाना। और आपका काम क्या है? हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है। इंसान एक दूसरे की मदद करता है ना, करते कि नहीं करते? हाँ, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आपके पास में आए हैं। देखिए आपके बीच में कौन आए हैं? ये सफेद कोट में कौन है बताएगा कोई? अरे वाह, सारे बच्चे बड़े समझदार हो, जब ताली बजाओ अपने लिए, वेरी गुड। हमारे बीच में डॉक्टर आए हैं, और इनको पहचानते हैं आप? कौन है? प्रधान जी के जोरदार ताली बजाएं। मेरे बच्चे बड़े प्यारे हैं, सब जानते हैं प्रधान जी कौन है। अच्छा सर को पहचानते हो? क्या नाम है गुरु जी का? क्यों गुरु जी बोलते हो, नाम ही नहीं पूछा? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, मैं सबको चाचा बोलता हूँ, दादा बोलता हूँ, नाम ही नहीं पता, घर का नाम पता रहता है, और जब स्कूल में जाता हूँ तो पूछना पड़ता है फलनों का नाम क्या है, होता है ना? तो आप गुरु जी का नाम पता करेंगे? हैं? मैं गुरु जी से पूछूं क्या नाम है, पूछ लिया जाए कि नहीं? कितने लोग गुरु जी का नाम जानना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। अरे यार बड़े कंफ्यूज हो, बाकी बच्चे नहीं जानना चाहते? फिर से उठाओ जरा, जो जानता हो नाम बताए सर का। हाँ सर का नाम क्या है, कौन बताएगा? वेरी गुड, क्या नाम है आपका? राजवीर। अच्छा बताओ सर का नाम क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बच्चे ने कोशिश की, ताली बजाओ जरा, इतने हाथ उठाया, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी यहाँ पे है ना गाड़ी, कोशिश हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। तो आयुष आपके द्वार है, डॉक्टर लोग आए हैं, जरा सुनते हैं डॉक्टर साहब लोग क्या बोलते हैं, और घर जाके क्या बोलना है ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? हम किस लिए आए हैं कि प्रधान जी, प्रधान जी के देखिए ये तीन बच्चे आए हैं ना, इनको जानते हो? कौन जानता है हाथ ऊपर कर? ये आप ही के भैया है ना गाँव के, ये लोग सुबह से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम लोग घर घर गए हैं और सबको निमंत्रण दिए हैं कि वो लोग स्वास्थ्य शिविर को ज्वाइन करें, आप लोग भी घर जाके बोलना, ठीक है? पहले देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। तो हमारे बीच में सबसे पहले है पंकज सर, कौन है? डॉक्टर पंकज, क्या नाम है? तो ताली बजाओ।
हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों आजकल देखो बहुत तेजी से वायरल फैल रहा है, जिसके कारण हमको सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बच्चों आपसे एक निवेदन है कि आप लोग अपनी सफाई का ध्यान रखें, नाखून हर हफ्ते में नाखून काटें, क्योंकि जो भी सामान हम लोग छूते हैं उसके तहत वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जो भी गंदे सामान होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं और पेट में क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, जिसके तहत हमारी तबीयत ख़राब होती है, पेट में दर्द होता है, उल्टी होती है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, हर हफ्ते में नाखून को काटेंगे तथा साबुन से हाथ को धोएंगे। जब भी हम लोग कोई भी सामान बाहर से टच करेंगे क्या करेंगे, हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोएंगे, ठीक है। और बाहर का खाना हम लोग क्या करेंगे, नहीं खाएंगे, जैसे चाट हुआ, समोसा हुआ, बर्गर हुआ, ये सब, और गंदे सामानों को नहीं छुएंगे, ठीक है। पानी खूब पियेंगे तथा सुबह क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक्सरसाइज हुआ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि साफ सफाई करना है, ठीक है, तथा मास्क का प्रयोग अभी भी करें, ठीक है, धन्यवाद। बच्चों ताली बजा दो उसे, ये सारी चीजें आपको स्कूल में बताई जाती है, बताते हैं ना, हाँ टीचर बताती है, ऐसे मत बोलो, रोज टीचर बजाती है और दीवारों पर भी लिखा हुआ है ना। लेकिन जब सफेद कोट में सुनते तो क्या लगता है, थोड़ी अलग से आवाज बदल जाती है ना। आइए देखें, ये सबसे लंबे से डॉक्टर साहब हैं, आयुष सिंह, डॉक्टर आयुष, जरा ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष सिंह फ्रॉम शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और बताओ बच्चों कैसे हो आप लोग, ठीक है, उसे बोलो ठीक है, ठीक है। ये हुई ना बात, इनमें बताओ डॉक्टर किसको बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, और इंजीनियर, तुमको डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनना है, बहुत अच्छे। तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, आप लोग देश का उज्जवल भविष्य है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जहाँ भी रहें, कोई स्कूल छोटा बड़ा नहीं होता, बस शिक्षा लेना चाहिए आप लोग को। मैम लोग सर लोग आप लोग की मेहनत कर रहे हैं, जो सवाल नहीं आता मैम और सर से पूछिए, यही आप लोग का सीढ़ी है, तब आप यहाँ इस मुकाम तक आप पहुँचेंगे। थैंक यू वालों को। तो जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर, अच्छा ताली बजा लो पहले, बजाओ। तो डॉक्टर अंकल ने डॉक्टर और इंजीनियर के बोला, इसके अलावा भी कुछ बन सकते हो, बोलो क्या, और डॉक्टर इंजीनियर के अलावा क्या बन सकते हैं, टीचर, टीचर, देखो आपके स्कूल टीचर है, इनके लिए ताली बजा दो। ये लोग जो स्कूल में आते हैं ना, इनके भी ऐसे आपकी तरह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्या उनको छोड़कर ये लोग तुमको पढ़ाने आते हैं। कभी थैंक यू बोलते हो सर को, कब कब थैंक यू बोलते हो बताओ, सुबह सुबह तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और कब बोलते हो, वेरी गुड, सुबह, और कब बोलते हो, जाते वक्त थैंक यू बोलना, क्या बोलोगे, क्योंकि दिन भर इन्होंने मेहनत की ना आपको, है ना। तो अभी एक मेरी तरफ से बोलो, थैंक यू टीचर्स, जोर से। अच्छा ये बताओ टीचर बोलते हो, क्या बोलते हो स्कूल में, कैसे कॉम्पिटिटिव क्या है, गुरुजी, तो सर, और मैडम को क्या बोलते हो, तो फिर ठीक है, तो बोलो थैंक यू सर एंड मैडम, वेरी गुड। और इसके बाद घर जाके किसको थैंक यू बोलोगे, अरे वाह बड़े समझदार बच्चे हो, जरा एक अपने लिए ताली बजाओ, अरे सारे बच्चे बहुत समझदार हैं, स्कूल में बोलते हो कि घर में भी बोलते हो, घर में पक्का बोलते हो मम्मी पापा को, मैं गांव आऊंगा प्रधान जी के साथ आपके घर में, पक्का, ठीक है, रोज अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना है, ठीक है। आइए आप सुनते हैं हमारे डॉक्टर साहब जो है क्या बोलते हैं, अर्पित, डॉक्टर अर्पित के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा, ये आपके भैया जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ तो इनकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब, बच्चों आजकल कोरोना फैला है, ठीक है, आप लोग साफ सफाई की जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको,
मास्क लगाना। देखिए बच्चों, आप लोग के जीवन में बस तीन काम है। कितने काम है? पहला क्या है? वेरी गुड। दूसरा क्या है? नहीं, पहला पढ़ना, दूसरा खेलना, तीसरा खूब खाना। ठीक है, कितना काम है? हाँ, तो आप लोग यही तीनों काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। कैसे करेंगे ये तीनों काम? ईमानदारी से। हाँ, बस पढ़ना, खाना, खेलना। ठीक है, आप लोग को डेली यही काम करना है। और फिर जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएगा, जिसको टीचर बनना है वो टीचर बन जाएगा, है ना? ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, वेरी गुड। किसको टीचर बनना है? वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू बच्चों। बच्चों, अर्पित, डॉक्टर अर्पित से बात सुने आप लोग? तो ताली बजाने के लिए आप डॉक्टर सूरज से बात सुने? डॉक्टर सूरज सर, ताली बजाएंगे ना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम लोग। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए देख रेख करें। और अपने शरीर की देख रेख करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हाथ धुलना चाहिए, नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग उठे, नाखून साफ सफाई अपने शरीर के लिए रखें, सबसे पहले स्वस्थ के लिए। और अपने स्वस्थ रखने के लिए शरीर को हमें अच्छे भोजन की जरूरत चाहिए रहता है, अच्छे खान पीन होने चाहिए। और हमें खान पीन के लिए सबसे अच्छा कि हमें भोजन करना चाहिए और फल फ्रूट लेने चाहिए। और तुम लोग सुबह सुबह उठते तो क्या करते हो? सबसे पहले शौचालय, फिर मंजन करते हो, खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। सुबह सुबह योग करना चाहिए, स्वस्थ शरीर करने के लिए हमें योग करना चाहिए। योग का कौन करता है यहाँ पे? योगा, हाँ, तो सुबह सुबह उठ के योगा करना चाहिए। योगा करने से क्या होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हाँ, वेरी गुड। और स्वस्थ रखने के लिए हमें खान पीन अच्छे से करना चाहिए सुबह सुबह में, और चने वगैरह सब खाने चाहिए, और सबके लिए फल फ्रूट और खान पीन ध्यान देना चाहिए। और बोलो, किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ? चलो कोई बात नहीं, डरो मत, सब लोग एक ही जैसे हो, डरो मत। चलो ठीक है, मेरे साथ एक एक्सरसाइज करोगे? मस्ती वाला, खूब मस्ती आएगी, करोगे? कितने लोग करना चाहते हैं मेरे साथ मजे? वेरी गुड। चलो, हम लोग हाथ सफाई के ऊपर बात हुई, तो हाथ सफाई कौन करता है, कैसे करता है, कोई करके दिखाएगा डेमो? इधर आओ, इधर इधर आजा, बेटा आजा। क्या नाम है आपका? अंबुज, इधर आओ मेरे पास। अंबुज को देख रहे हो, ये कैमरे में दिखेगा, ठीक है? अंबुज बताएंगे हाथ कैसे धोया जाता है। अंबुज, हाथ धो के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ताली बजाने के लिए। और कौन करके दिखाएगा मुझे हाथ धोने की टेक्निक? नहीं नहीं, अंबुज जाओ मत, आप मेरे साथ हो, आप मेरे मेरे दोस्त हो। और कौन है यहाँ पे? कोई और बच्चा आएगा? आजा आजा, क्या नाम है आपका? आ जाओ, हाँ, जरा हाथ धोने की टेक्निक बताओ जरा। वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ताली बजाओ उनके लिए। आजा आजा, छोटा बच्चा भी आएगा, आजा आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, इसके बाद मैं जरूरी बात करूंगा, फिर हम लोग आपको फ्री कर देंगे। इधर आप ऊपर देखो कैमरे की तरफ, हाथ धो के दिखाओ कैसे। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अब आप तीनों लोग मेरे साथ करोगे। कोई बेटी भी आना चाहेगी? कोई बेटी आना चाहती है? कोई एक बेटी भी आओ। वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। क्या नाम है आपका? खुशबू, बहुत बढ़िया नाम है। आप इधर उधर अपने दोस्तों की तरफ देखें, एक लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन से, एक लाइन से, हाथ धो के दिखाओ सामने से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। इन खुशबू के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि इस बेटी ने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। क्या किया है? अब हम सभी लोग हाथ धोएंगे, ठीक है? मेरे साथ धोगे?
मानो कि हम लोग हाथ धो रहे हैं किसे, साबुन और पानी से, किसे? हाँ, कोरोना में साबुन और पानी चाहिए, ठीक है। और मास्क ऐसे मुंह पे, कैसे? अब देखो ये लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो हाथ पहले अपने दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, वेरी गुड। हमें हाथ धोना है नलके के नीचे ना, तो ऐसे करो हाथ, देखो मेरी ओर देखो, ऐसे ऐसे करो, साबुन लगा लो खूब बढ़िया से, साबुन लगा लो, साबुन लग गया, वेरी गुड। अब ये करने के बाद राइट लेफ्ट के ऊपर ऐसे, राइट लेफ्ट के ऊपर, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, करते रहो ऐसे, उंगली ऐसे करो बेटा, ऐसे उंगली करो, पूरी उंगली ऐसे फसाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर लेफ्ट राइट के ऊपर सेकंड स्टेप, वेरी नाइस, कंटिन्यू ऐसे करना है, देखो उंगली ऐसे ऐसे हाथ फसाओ, अरे धो लो, अभी धोएंगे थोड़ा सा, ऐसे करो, ठीक है, हो गया है। फिर राइट लेफ्ट के थंब के ऊपर ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, फिर लेफ्ट राइट के थंब के ऊपर करो जरा, वेरी नाइस। फिर राइट लेफ्ट के आर्म के ऊपर ऐसे ऐसे करो, फिर लेफ्ट राइट के ऊपर, हम लोग सभी लोग राइट हैं, है ना, कितने लोग राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं, इसलिए हमेशा राइट नहीं, कंटिन्यू करते रहो, बातें करते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही हाथ साफ कर रहे हो ना। फिर राइट ऐसे इधर नाखून को अच्छी तरह, वेरी गुड, नलके के नीचे हाथ धो रहे हो, मजा आ रहा है। फिर लेफ्ट राइट पे, वेरी गुड, हो गया, कर रहे हो, है ना। अब पानी के नीचे हाथ धो लो, अच्छी तरह धो, हमें हाथ धोना है, ये स्टेप है, क्या है, पूरा हाथ अच्छी तरह साफ हो जाएगा। फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, चलो ये साफ सफाई बहुत जरूरी है, हाथ साफ रहेगा तभी तो खाना खाएंगे। जरा देखो किसकी किसी पेट में भूख लगी है, भूख लगी है, लगी है कि नहीं लगी है, किसको किसको लगी है भूख, चलो जल्दी कर लेते हैं, मेरे को भूख लगी है, जल्दी क्लोज करेंगे, चलो हाथ ऊपर, ठीक है। और ये समझो नलके के नीचे आ गए फिर से, ठीक है, लेफ्ट में साबुन बीच में रखा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों को अच्छी तरह साबुन साबुन लगा लिए, साबुन लग गया। अब राइट और लेफ्ट दोनों को ऐसे करके राइट को लेफ्ट के ऊपर रखो, वेरी गुड, खींचो हाथ खूब बढ़िया से, पूरी उंगली कवर होनी चाहिए, देखो ऐसे है ना, ये देखो दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है, मजा आ रहा है। फिर लेफ्ट राइट के ऊपर, चलो 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 चलो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, अरे मेरे बच्चे प्यारे बच्चे, खींच लिए, हो गया। फिर स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन स्टेप पूरा करना है, आठ स्टेप है। फिर ये लेके इसके ऊपर घिसो घिसो, वेरी गुड, लेफ्ट राइट हो गया। फिर राइट आर्म्स के ऊपर ऐसे ऐसे, फिर ये लेफ्ट इस पे, शाबाश, हो गया। फिर ये देखो तोता बना दो, तोता रखो, शाबाश, वापिन वापिन घूम रही है, ठीक है। फिर ये हाथ धो लो जल्दी से, चलो भूख लगी है, ठीक है, चलो। इन बच्चों के लिए ताली बजाओ जरा जोर से, बच्चों प्लीज, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बैठो बैठो बैठो, शाबाश, आ जाओ। तो बच्चों आपके गांव में 15 तारीख को सुबह 8 बजे, कितनी तारीख को, 15 तारीख को सुबह 8 बजे इस बस स्टॉप पे एक बस आएगी और सभी बच्चों को फ्री चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप हॉस्पिटल में। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ आ सकते हो, किसके साथ में, हाँ हम आपको पर्चे देंगे, आप अपने मम्मी पापा को बताना कि फ्री में जांच होगी, फ्री में दवा मिलेगी और फ्री में बस आएगी। और ये डॉक्टर शिवालिक मेडिकल कॉलेज से आया है, मालूम है कहाँ से आए हैं, आयुष मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, क्या है, आयुष, आयुष का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेद, ए फॉर वाई फॉर यूनानी, यू फॉर हेलो, एक ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। मैं गलती से मैंने आपको यू का डेफिनेशन बता दिया, फुल फॉर्म बता दिया, वाई फॉर आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, वाई फॉर, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है,
एक मिनट में आपको दिखाता हूँ तो शायद आप लोगों को समझ में आए। आयुष है, क्या है, दिख रहा है आपको, स्पेलिंग दिख रही है, कितने किसको किसको नहीं दिख रही है बताओ, दिख रही है सबको, क्या लिखा है, स्पेलिंग पढ़ो, ए वाई आपका सर बंद हुआ, मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अब बंद, अभी बंद हुआ। ध्यान से इधर देखो, स्पेलिंग क्या लिखे, ए वाई।